हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल है मदर्स डे और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ मम्मी को। तो मैंने ये बेला वीटा का पॉकेट परफ्यूम ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी अच्छा है, तो चलो इसे गिफ्ट करते हैं पर कुछ यूनिक स्टाइल में। मैं आपको 5 टाइप के पेपर बॉक्सेस बनाना सिखाऊंगी जिसमें आप अपने गिफ्ट्स डाल के दे सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑर्डर करने का तो आप बिल्कुल मार्केट से परचेज कर सकते हो वो। तो पहला हमारा ये थोड़ा पिरामिड शेप का ये बॉक्स है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने शीट को स्क्वायर शेप में कर लेना है। मैं यहाँ पे A4 शीट का यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही लाइट पिंक कलर है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस मेथड से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर काट सकते हैं। तो हमारा ये शीट अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और फिर मेरा कैमरा बंद हो गया था, बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट आप देख लो मैं शीट के जो चारों साइड है उसमें बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। ये मैं एक साइड का रिकॉर्ड किया, ऐसे ही मैंने चारों कॉर्नर पे किया है। तो अब क्या करना है, मैं किसी एक कॉर्नर पे यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिख दे रही हूँ। और या फिर अगर ये बॉक्स आप किसी भी चीज के लिए दे रहे हो, बर्थडे पे दे रहे हो या फिर किसी को भी गिफ्ट करने का दे रहे हो, आपको उस पर उसका नाम लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं मम्मी के लिए दे रही हूँ तो यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिख रही हूँ। और लास्ट पीछे एक मैंने स्टिकर चिपका दिया है, आप चाहो तो हर साइड चिपका सकते हो। और फिर उसके सारे कॉर्नर्स पे हम यहाँ पंच कर देंगे। अगर आपके पास पंचर नहीं भी है तो आप सीजर से उसमें एक होल कर सकते हो जो कि आराम से हो जाएगा। तो अब हम इसे ऐसे असेंबल करेंगे और एक इसे पिरामिड शेप का बना देंगे। तो ये दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था। इसके बीच में मैंने डाली कुछ चॉकलेट्स और हमारा परफ्यूम और एक की रिंग। और इसमें मैंने यहाँ पे रिबन से इसे अच्छे से टाई कर दिया है। आप चाहो तो प्रिंटेड पेपर पे भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे एक प्लेन पेपर यूज किया है। तो ऐसे मैंने 3 कलर्स के बनाए हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे दिखने में। अब हमारा सेकेंड बॉक्स है, ये तो मेरा फेवरेट वाला बॉक्स है। तो इसमें मैंने पूरा A4 शीट का यूज़ किया है। उसको मैंने यहाँ पे लगभग 1 इंच का एक साइड में फोल्ड किया है। साइड में आप एक हाफ इंच फोल्ड कर सकते हो या फिर ये अंदर ही जाएगा तो आप कितना भी करो मैटर नहीं करता, थोड़ा सा भी हो जाएगा। फिर अब हमें हाफ से थोड़ा सा कम ऊपर वाले को फोल्ड करना है। ये मैंने ऐसे अंदाजा से कर दिया, आप चाहो तो आप स्केल से नाप के भी कर सकते हो। देखो मेरा नीचे का जो पेपर है वो ऊपर वाले पेपर से थोड़ा बड़ा है। फिर मैंने यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगा के इसे कट कर लिया है। साइड साइड में जो फोल्ड करने वाला है उसको मैंने यहाँ पे काट के निकाल दिया है। और नीचे वाले साइड में जो हमने पतला मोड़ा था उसको हम बहुत छोटा छोटा कट करेंगे। अब बारी आती है लिखने की। तो ऑब्वियसली मैं ये मदर्स डे पे दे रही हूँ तो मैं इस पे भी हैप्पी मदर्स डे लिख रही हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये एक बहुत सुंदर कंटेनर है, आप इसमें कुछ भी डाल के इसमें बड़े गिफ्ट्स भेज जाएंगे तो आप वो भी दे सकते हो। यहाँ पे भी मैंने एक स्टिकर चिपकाया है। मैंने ये स्टिकर कैसे बनाया है ये भी आप देख सकते हो, मैंने इसके भी वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप जाके देख लो। ये सारे हैंडमेड स्टिकर्स है जो कि बहुत क्यूट है। तो अब हम इसके साइड में ऐसे स्टिक कर देंगे इसे। अब ये मुझे पूरा परफेक्ट सर्कल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि शीट काफ़ी पतला है। अगर आप थोड़ा थिक शीट यूज़ करोगे ना तो ये बहुत परफेक्ट बन जाएगा। तो पहले तो मैंने इसे ऐसे नीचे एक प्लेन पेपर पे इसे स्टिक कर दिया है कुछ ऐसे करके। इसको परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल और अपने उंगलियों का यूज कर रही हूँ। और जब ये नीचे अच्छे से चिपक गया था तो मैंने इसके साइड में एक्सेस जो भी ये शीट है उसको कट कर दिया। तो अब इसमें मैंने अपने गिफ्ट्स डाले और ऊपर से मैं ये जो शीट है हमारे इसे एक के ऊपर एक करके कवर करके मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। आप चाहो तो इसको चिपकाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था, नहीं तो आप कोई हैंडमेड बो बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे बनते तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो वो बो कैसे बनेगा। नहीं तो फिर आप मार्केट वाले रिबन लगा दो, कुछ भी कर दो या फिर कुछ ऊपर लिख के चिपका दो। तो इसे चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगाया है।
और ये एक बो था मेरे पास जो कि येलो कलर का था, मैच कर रहा था तो मैंने ये इस पे लगा दी। बहुत क्यूट लग रहा था ये इसके साथ। और इसके जो साइड्स की रिबन था इसको सीजर से ऐसे मैंने राउंड कर दिया है। तो ये हमारा क्यूट सा गिफ्ट बॉक्स रेडी हो गया है जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, और आप इसे अपने क्यूट क्यूट गिफ्ट्स डाल के इसे और भी स्पेशल बना सकते हो। तो अब बारी हमारे थर्ड DIY की। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है और मेरा फेवरेट बना है। मैं इसे बचपन में बहुत बनाती थी। तो पहले हम इसे एक जैसे हम बैग बनाते हैं वैसे करके चिपका देंगे नीचे। एक एक इंच से या एक इंच से थोड़े ज्यादा भी ले सकते हो आप। अब मैंने साइड साइड में एक सेंटीमीटर यहाँ पे क्रीज बना दी है इसकी, और फिर उसी क्रीज के लाइन पे मैंने यहाँ पे नीचे फोल्ड लगाई है। अगर आप अभी शायद ना समझ में आ रहा हो, आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे किया क्या है। तो ये होने के बाद अब हम इसको खोलेंगे। अब ये काफी लंबा था तो इस पर मेरा पूरा हाथ डालने में मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार मुड़ जा रहा था। तो इसे खोल के एक पूरा बैग जैसे बनाएंगे, जैसे हमारा झोला नहीं होता है वैसा। और ऊपर पहले मैंने यहाँ पे हैप्पी मदर्स डे लिख दिया है। तो ये लाइट पिंक कलर का था, मैंने पिंक कलर के पेन से लिखा, ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। और मेरे पास एक पिंक कलर का स्टिकर भी था जो कि मैंने बनाया था, तो ये भी मैंने इस पे चिपका दिया। अब बारी आती है गिफ्ट्स डालने की। तो मैंने अंदर गिफ्ट्स डाल दिए हैं और ऊपर अब हम इसे जिगजैग करके फोल्ड करेंगे। अगर ये छोटा रहता, इतना लंबा नहीं रहता, छोटा रहता, तो हम इसमें थ्रेड्स लगा के इसका हैंडल बना सकते थे जो कि एक छोटा शॉपिंग बैग जैसा बन जाता। पर ये मैंने दूसरे तरीके से बनाया है। ये बहुत क्यूट लगता है और बचपन में मैं इसे बहुत बनाती थी। मतलब मोस्टली मैं किसी को गिफ्ट देती थी तो मैं उसे ऐसे ही करके देती थी। तो यहाँ पे मैं अब अपना रिबन टाई कर लूंगी और हो गया। तो ऐसे मैंने दो कलर्स के बनाया है, बहुत ही प्यारे। ये मेरे फेवरेट वाले, मुझे बहुत क्यूट लगे ये दोनों, और बनाने में भी बहुत ईजी है। अब आता है हमारा फोर्थ DIY। इसके लिए भी हमें एक स्क्वायर शीट चाहिए। तो स्क्वायर शीट करने के लिए मैंने अपना वही पुराना ट्रिक अपनाया, और अब हमें एकदम परफेक्टली चारों कोने बराबर मिल गए। तो अब इसे हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लास्ट में एक ट्रायंगल बन के निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लगभग 1 इंच का यहाँ पे मार्किंग किया है मैंने, 1 इंच का ऊपर किया। और फिर इसे साइड में करेंगे हम पूरा इसको थोड़ा सा साइड नीचे की ओर झुका के ऐसे क्रीज डाल रहे हैं इसमें। ऐसे ही हम अपना चारों साइड कर लेंगे। इसको होने के बाद हम इसे नीचे अंदर की ओर डाल देंगे। अब ये ऊपर अच्छा सा डिजाइन भी बन गया है। और ये हमारा दूसरी साइड का भी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा बॉक्स का शेप देंगे। इसमें भी हम दोनों साइड पंच करेंगे। अगर बांधने के लिए, अगर आप बांधना नहीं चाहते हो, आप इसे स्टिक करना चाहते हो, तो आप अंदर डबल साइडेड टेप लगा के इसे स्टिक भी कर सकते हो। वैसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ये सारे DIY प्रिंटेड शीट से बनाओ ना, तो इस की लुक ही अलग आती है। मेरे पास प्रिंटेड शीट नहीं थे, मेरे पास ये प्लेन शीट्स थे, तो मैं इससे ही बना रही हूँ और इस पे कुछ कुछ स्टिकर्स चिपका दे रही हूँ या फिर कुछ कुछ ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब बारी है हमारे DIY नंबर 5 की। ये बहुत ही सिंपल सा DIY है, पर मैंने बहुत ही बड़ा बना दिया था इसे, इसलिए थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया था। अगर आप छोटा बनाओ ना, तो छोटे में ये काफी क्यूट बनेगा। तो सबसे पहले हम ऐसे चार फोल्ड करेंगे। साइड में एक छोटा फोल्ड मैंने इसलिए किया है उसे स्टिक करने के लिए। और मैंने अपने गिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे मैं 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर रही हूँ, और इसे अब हम अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब वापस से मैं यहाँ पे साइड में
ढाई सेंटीमीटर पे वापस से मार्क किया है, ऊपर मैंने एक एक सेंटीमीटर छोड़ा है और साइड में ऐसे लाइंस बना दिए हैं। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी करेंगे। ये हो गया, अब हम इसे कट कर देंगे साइड साइड्स के जो भी पार्ट हैं। ये अगर थोड़ा लंबा होता तो मेरा जो साइड्स है वो अच्छे से कवर होता, अभी भी आपको वीडियो में आगे दिखेगा। तो इस पे मैंने यहाँ पे इमोजी बनाया है, आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। वैसे ये एक टॉफी का शेप है तो इस पे मैंने ड्राइंग ही किया, मैंने कुछ लिखा नहीं, ये ऐसे ही क्यूट लग रहा था। अब इसे हम ऐसे स्टिक कर देंगे यहाँ पे, जो मैंने लास्ट का फोल्ड किया है। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों किया था। तो इस पे यहाँ पे मैं ग्लू लगा दे रही हूँ। अब ये हो गया है अच्छे से स्टिक। अब इसके अंदर में यहाँ पे डालो अपना गिफ्ट और साइड में मैंने यहाँ पे टाई कर दिया है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।